तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो आपने देख ही लिया था कि अपन करणी माता जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और दर्शन करने लगे हैं माता जी के। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारा, ये माता जी के दरबार के अंदर जाने का रास्ता है और काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ, जब बीकानेर वगैरह जाते हैं तो रास्ते में दिखता है, बट आज माता रानी ने बुलाई लिया अपन को दर्शन के लिए। तो माता जी के बढ़िया से दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद लंच करेंगे, फिर अपन चले जाएंगे जैसलमेर। तो अभी मैं आपको सारा पूरा नज़ारा यहाँ मंदिर का दिखाऊंगा घुमा के। तो आप मंदिर के दर्शन करिए, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है सामने मंदिर जो आप देख रहे हैं मेरे, और काफी भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। तो अभी चलिए, चलते हैं इसके अंदर और आपको दर्शन कराते हैं माता जी के। काफी भीड़ है यहाँ पे अभी देखने को, तो काफी लोग आते हैं दर्शन के लिए यहाँ पे, और ये मेन एंट्रेंस है अंदर मंदिर जाने के लिए। दोस्तों, ये है यहाँ पे काबा, तो इनको काबा बोलते हैं यहाँ पे, तो चूहे नहीं बोलते इनको। इनका भी कोई इतिहास है, वो भी मैं आपको सारा अंदर जाके बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं बिना किसी डर से ये आराम से खाना खा रहे हैं। ये जो अपने घरों के अंदर जो चूहे होते हैं ना, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, इनका इतिहास है। तो वो अपन सारा अंदर चल के देखेंगे, बताएंगे आपको। कितने कबूतर है यहाँ पे, और काफ़ी बहुत ज़्यादा कबूतर है। तो अब देखिए क्या नज़ारा आ रहा है, वाह। तो ये मंदिर देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, ये एंट्रेंस क्या खूबसूरत बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये है दोस्तों श्री करणी मंदिर। फिलहाल है मेन मंदिर के एंट्रेंस पे, अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं हर चीज। तो आप देख सकते हैं आसपास कितने काबा है। चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे माता जी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ पे माता जी विराजमान है। दोस्तों, आपने मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन कर लिए और प्रसाद भी अपन ने चढ़ा दिया। तो अभी अपन बाहर निकल रहे हैं मंदिर से दूसरी तरफ। तो यहाँ पे भी काफ़ी मंदिर बने हुए हैं और सारा मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के। और ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मेन मंदिर तो आपने माता जी के दर्शन कर ही लिए। बिल्कुल फ्रेंडली है यहाँ पे काबा, पहली बार ही देखा मैंने, सुना तो बहुत था, देखा तो बहुत था, बट आज फर्स्ट टाइम माता जी के दर्शन भी कर लिए। और ये देखिए पूरे इनके घर बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए
देखिए आराम से सो रहे हैं, खा पी के, खाने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे इनको, पूरा प्रसाद मिलता है यहाँ पे इनको, दूध ये वो सब। ये देखो कैसे सो रहे हैं सारे मस्त होके एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी भट्टी बनी हुई है जिसके अंदर पहले अब भी मेरा ख्याल प्रसाद बनता होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रसाद बनाने की कढ़ाई बनी हुई है यहाँ पे, और पूरा सिस्टम लगा हुआ है, बॉयलर वगैरह है सारा, तो इसी में प्रसाद बनता है। तो दोस्तों होप आपने मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन कर लिए होंगे, तो अब टाइम है यहाँ से चलने का। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे पहले थोड़ा प्रसाद वगैरह जो भी है अपन ने लिया वो थोड़ा भोग लगा ले प्रसाद का, फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये बड़ा जब उड़ते हैं ना कबूतर, बड़ा मज़ा आता देख के इनको, उड़ाना हल्के से ये देखो तो भाई लोग आपने अंदर जितने भी चूहे देखे हैं या काबा देखे हैं, जिन उनको काबा बोलते हैं, वो यहाँ पे क्यों हैं, उनका क्या इतिहास है मुझे तो नहीं पता, बट हमारे विशाल भाई को ज़रूर पता है उसके बारे में। तो अभी विशाल भाई से मैं पूछता हूँ और आपको भी इसके लिए बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे ये जो काबा है इतने सारे ये क्यों है यहाँ पे। वेलकम कहना चाहूँगा मैं, ठीक है, करणी माता का टेम्पल है, हम लोग काफ़ी टाइम से डिसाइड कर रहे थे आने के लिए। तो इनकी चूहे जो कि इनको बोलते हैं काबा, तो काबों की हिस्ट्री ये है कि जितने भी यहाँ पे हैं वो करणी माता के वंशज हैं, चारण वंशज हैं। तो अगर उनकी डेथ वगैरह होती है, जो मनुष्य जीवन होता है, तो जब वो एक्सपायर होते हैं तो उनका जन्म यहाँ पे होता है वापस करणी माता के अंडर में। और जैसे काबे बनने के बाद में वो यहाँ पर खेलते हैं, तो वो वचन बहुत पुराना है अगर हिस्ट्री में जाएँ तो, अपन तो उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी काबे की डेथ होती है तो वो जन्म लेता है वापस इंसानों में, चारणों के अंदर। तो बेसिकली ये सारे चारण हैं, तो बेसिकली ये सारे चारण हैं, जो मतलब जो अपना फ्रेंड है, भाई है, वो भी हेमंत, वो चारण है ना अगर उनकी मतलब वंशज है सारे ये। माता जी ना करे कुछ, बाकी अगर उनको कुछ होता है तो वो भी यहीं मिलेंगे, तो वही काबा बनेंगे यहाँ। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पे अगर किसी काबा को कुछ हो जाता है तो वापस इंसान के रूप में जन्म लेता है। बिल्कुल, इंसान से आते हैं यहाँ पे, यहाँ से जाते हैं इंसान। तो भाई अंदर माता जी के दर्शन कर लिए, मंदिर से मत्था टेक लिया और अब हम बैठे हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट ढाबा है वहाँ पे। तो अभी खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया और लंच करने लगे हैं यहाँ पे। तो अभी अच्छे से लंच करके यहाँ पे सीधा निकल जाएंगे अपन जैसलमेर। तो भाई यहाँ से खाना खा के अपन फ्री हो गए, तो अब है टाइम जाने का अपन का जैसलमेर। तो होप आपको मंदिर का दृश्य और मंदिर का पूरा अंदर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया लगा होगा, पूरा पेट भर लिया, लंच हो गया, अब सीधी बारी है जैसलमेर जाने की। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आपको देखने का मिलेगा जब अपन जैसलमेर जा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और वीडियोस इन्जॉय ज़रूर करना और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।